हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कबीरनगर में रहता हूँ, मोशपुर में शॉप है मेरी, उपस्थित बंधु सबको मेरा नमस्कार। मेरी दुकान बागित विहार में थी। अस्सलाम वालेकुम सबको, भाइयों को। मेरा नाम मोहम्मद नासिर खान है। सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी, सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मेरा नाम अवधू आज़ाद है, मैं पेशे से रंगकर्मी हूँ। मेरा नाम फरीद अहमद है और मेरा शोरूम मेन मार्केट भजनपुरा जहीर एंड सन्स के नाम से। मैं हाजी अजमेरी, मेन रोड ब्रजपुरी, उस पर एक बिल्डिंग है 100 गज की, 5-4.5 मंजिल, उसमें फाजिल बूट हाउस के नाम से। मैं मुकेश चंद और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को जय हिंद, क्योंकि इस वक्त जय हिंद की ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम कम की ज़रूरत है इस टाइम। तारीख 24 की बात है। लगभग 3 बजे के करीब से भीड़ जुटनी चालू हो गई थी घर के नीचे, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगा रहे थे, जय श्री राम, मुल्लों को भगा दो, कटुओं को भगा दो, इस तरीके से। मैं वजू करके नमाज के लिए जा रहा था तो उधर की साइड से देखा तो कम से कम 20-25 आदमी जय श्री राम का नारा लगाते हुए आए और मस्जिद पे एकदम जो भी उनके हाथ में था, सरिये, अधे, ईंट वगैरह जो भी, मारने लगे। 3:30 बजे के आसपास मैं ओला में उधर से शालीमार बाग से चला और यहाँ खजूरी तक आया। सब एकदम से आके बोले जय श्री राम बोलो एकदम से, तो हमने जय श्री राम बोल दिया। बोले अब यहाँ मरना चाहते हो या कटने चाहते हो, बचने चाहते हो। मगरिब की अजान हुई तो अंधेरा हो गया, उसके बाद उन लोगों ने घर के अंदर पेट्रोल की बोतलें जला के और पत्थर मारने चालू कर दिए। हमें दहशत हो गई थी, हम वहाँ जाके अपनी दुकान बंद करते हैं और वापस घर आ जाते। खजूरी में रास्ते बंद थे, यहाँ आग लग रही थी, यहाँ कुछ दंगा भड़का हुआ था। बड़ी मुश्किल से हम लोग अंदर अंदर निकले, बाहर रोड पे पत्थर वत्थर चल रहे थे, गोलियाँ भी चल रही थी उस टाइम पे। जो दंगाई हैं उनके साथ पुलिस मिल के घरों में घुस के जो है दंगा कर रही है, फैला रही है। फ्लैटों में आशो गैस गिरे हैं, आगे बच्चे छोटे सब परेशान, हमें सांस भी नहीं आ रहा था उस जगह पे। तो हमें 2 बजे के करीब मालूम पड़ती है कि हमारी दुकान में आग लगा दी गई है। उसके बाद 25 तारीख को दोनों मंजिल पे आग लगाई, लूट मार करी। लड़की की शादी थी हमारी अभी ईद के बाद, सब कुछ ले गए। उनके बाद हमारे गलियों में रिश्तेदारों के सारी गाड़ियाँ थी, उसमें पेट्रोल डाल के जलाना चालू कर दिया। 20 गज की दूरी से उन्होंने आवाज़ देने लगे, आओ तुम्हारे आज़ादी दे। सुशील मानव थे मेरे साथ में, जो जन चौक के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, उनको बाइक से उतारा और पीटना चालू कर दिया। फिर 9:30 बजे और कॉल आती है हमारे वहीं पड़ोस की, तो वो कहते हैं कि जहीर भाई अब एक ऐसा झुंड आया है, हमने बहुत कोशिश करी कि हम उसको रोक नहीं पाए। और 4 बजे मुझे पब्लिक से सूचना मिली, हाजी जी आपके शोरूम को लूट लिया। जब हमारे लड़के ने फोन किया, भाई मुझे बचाओ, मैं मुझे मार डालेंगे, चिल्ला मैं और मेरी माँ फंस गए, जोड़ा कुछ नहीं है मेरा, सब कुछ बर्बाद कर दिया मुझे मैया। हमारे घर के ताले तोड़कर तो उन्होंने सारा घर पूरा तरह ऊपर से नीचे तक जला दिया। मेरे पास खबर गई कि आपकी एक दुकान में आग लगा दी, फिर जस्ट 5 मिनट बाद खबर गई कि आपकी दूसरी दुकान में भी आग। 5 बाइक थी और कुछ सामान था मोबाइल वगैरह का, वो सारा जला के उन्होंने राख कर दिया। आगे पहुँचे तो आगे ये अब्बास भाई बैठे हैं, इनका घर जला पड़ा था, और आगे पहुँचे ताऊ जी का घर था, वो पूरा जला हुआ था। 3-व्हीलर
लगा लगा कर लोगों ने माल रखा, क्योंकि वो शूटिंग शटिंग के थान होते हैं, बहुत बहुत बड़ा सामान होता जो वैसे नहीं इसको कैरी करके ले आ सकते। चाचा जी का घर था वो पूरा जला हुआ था, 4 मंजिल का मकान है, 4 मंजिल फूक रखी थी। लगभग मकान से 200 मीटर आगे गए तो देखा एक रिश्तेदारी में भतीजा है, उसके गोली लगी हुई है 5, वो ऑन द स्पॉट बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म हो चुका था। मैं उनको बचा पाता इससे पहले मुझे भी मारना चालू कर दिया, तो हम दोनों की जो है अंधाधुंध ताबड़तोड़ लोगों ने पिटाई कर दी, खींच के ले जाने लगे। थोड़ा सा बस 50 मीटर चला हूँगा मैं, मेरे पीछे पीछे चले और एक साइड से एकदम मेरे यहाँ दिमाग में गोली लगी, दिमाग में गोली लग के आँख के नीचे से निकल गई। तो बाहर से तोड़फोड़ किया गया इंस्टीट्यूशंस को और अंदर से भी कंप्यूटर्स की लैब थी हमारी वो तोड़ी गई। सिलेंडर मेरे घर में फाड़ दिए, तो सारा सब कुछ 2 मंजिल मेरी बिल्कुल खत्म कर दी, मेरा आदमी का काम भी बिल्कुल गलत कर दिया, सब भर के ले गए साहब। इसके बाद एक ने पिस्टल निकाली, उनको लगा दी और 4-5 लोगों के पास जो है तमंचा था और उस पर उन्होंने गायत्री मंत्र सुनाने को कहा, उन्होंने गायत्री मंत्र सुनाया। तो थाने में मैंने एप्लीकेशन ली तो वो उन्होंने बोला कि एक काम करो ऊपर चले जाओ, कोई ऑफिसर बैठे हुए थे 2 ऊपर। मैंने कहा सर मेरी शॉप जला दी, तो बोला कहाँ पे थी, मैंने कहा मौजपुर में थी, तो कह रहे वो तो जलनी थी। मैंने कहा क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, कह रहे तुम्हें आज़ादी चाहिए थी वो मिल गई तुम्हें, अभी तो और मिलेगी देखते जाओ। मेरी 2 FIR हैं, बाई नेम FIR हैं, दंगाइयों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं है इन FIR पे, दोनों पे। हमारी 7 दुकानों की 1 ही FIR हुई है। तो कौन कहाँ जाने वाला है भाई, सबको यहीं रहना है हमें, ऐसे कब तक चलेगा? 46 ईयर्स पुरानी दुकान है मेरी, रहते हुए 22 साल हो गया, कैसे कैसे करके बनाया था, इतनी भी चीज नहीं छोड़ी उन्होंने आज तक। ऐसा हमारे चौहान बगर जाफराबाद ब्रह्मपुरी में ऐसा खेल नहीं खेला गया। इंस्टीट्यूशंस को रीबिल्ड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, बिकॉज 12 साल की मेहनत वहाँ पर शिवियार में हम लोग की थी, लेकिन वो रो इस बात पर रहा था बार बार कि जो हमारी अपनी फैकल्टीज है वो हमसे ये कह रही है कि हम इन्हें इंस्टीट्यूशन नहीं चलाने देंगे वहाँ पर। अब जो मेरे अपने मुस्लिम मिलने वाले यार दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं मेरे, वो भी मुझसे कतार रहे हैं, जो लफ्ज उनके पहले दुआ सलाम या नमस्ते होती थी वो नहीं हो पा रही है। मेरी कॉलोनी के चंद लोग हैं, मैं जानता हूं कि मेरी दुकान में जलाने में इनका सहयोग रहा है, मेरी दुकान लूटने में इनका सहयोग रहा है, वहां पर हिंदू मुस्लिम राइट कराने में इनका सहयोग रहा है, मैं जान रहा हूं, और बगड़े घमंड और नाच के साथ मैं कह दूंगा, लेकिन मैं एक हाजी की हैसियत से उनको यहीं इस मंच से माफ कर रहा हूं।